संघ कब और क्यों गठित हुआ? सर 1944 के गठन किया गया था सर, क्योंकि सर टी वी शुद्ध चल रहा जिसमें ये मतलब ये था सर कि जो विश्व के देश हैं या आपसी में मतलब समझौता करके रहे जो भी मतलब महामारी टाइप से विश्व बदल गया है सर, क्या उद्देश्य था सर? इसका एक दूसरे से शांति स्थापित करना सर। क्या उसमें उसके पहले संयुक्त राष्ट्र की तरह की दूसरी कोई संस्था नहीं थी? मानते भी हैं नहीं भी मानते हैं, मानेंगे भी और लड़ेंगे, दोनों चीज़ें कर सकते हैं सर। जैसे कुछ जैसे अच्छे से कम पढ़ो ठीक, लेकिन इतना पढ़ो कि दिमाग में भैया ऐसे ऐसे आप बताइए। जो सवाल उनसे था वही आपसे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब से गठन हुआ और आज तक यूनाइटेड नेशन
ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना एंड ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इसके साथ ही जो इंडिया है वो भारत का 1945 से ही सदस्य रहा है और यह एक मौलिक सदस्य है और यह भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यह इजाज़त देता है कि यूएनओ के उद्देश्य और उसके अधिकारों की रक्षा और पालन करें। अच्छा ये बताइए वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी क्यों नहीं मेंटेन होता? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी सर कुछ मायनों में मतलब कि ये मेंटेन हुई है, जैसे कि हम अगर कोविड-19 पैंडेमिक में भी जो हुई है उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, अब जो नहीं हो पा रही है उसकी बात हो रही है। पूछ लीजिए। अच्छा,